हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रैवलिंग इंजीनियर्स आई होप यू आर स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी आज हम बात करेंगे एम जी के वन पॉइंट फाइव सी बी टी वर्सेज़ वन पॉइंट थ्री टर्बो ए टी के बारे में Uh, हम बात करेंगे इनमें क्या डिफरेंसेस है ऑब्वियसली इंजन के डिफरेंस की हम बात थोड़ा डिटेल में करेंगे और भी फीचर्स की बात करेंगे क्या डिफरेंट है क्योंकि कुछ कुछ फीचर्स डिफरेंट हैं इन दोनों गाड़ियों में और सबसे ज़्यादा हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी परफेक्ट रहेगी क्या आपको सी अच्छी रहेगी या आपके लिए वन पॉइंट अच्छी रहेगी और ऐसा क्यों इस लॉजिक पर हम पहुँचेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो तो स्टार्ट पहले करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन से लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा स्पेसिफिकेशन से थोड़ा सा एक डिटेल बताता हूँ कि आपको 140 bhp का पावर मिलता है आपको टर्बो इंजन में और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है अगर इसको आप कंपेयर करें सी वी टी इंजन से तो आपको हंड्रेड एंड टेन बी एच पी पावर मिलते हैं विथ हंड्रेड एंड फोर्टी फोर न्यूटरन एम टॉर्क तो पावर में सब्सटैशियल डिफरेंस है देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट अबाउट तीस परसेंट पच्चीस तीस परसेंट का डिफरेंस है दोनों इंजन में टर्बो आपका ज़्यादा पावरफुल है सी वी टी से लेकिन इसका इफेक्ट आप पे क्या पड़ेगा ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो ये जो सी वी टी इंजन है सी वी टी इंजन का कैरेक्टरिस्टिक होता है रबर बैंड इफेक्ट तो बेसिकली उसमें आपका सडन गियर शिफ्ट नहीं होते हैं आपका धीरे धीरे होता है तो उससे होगा क्या कि उससे आपको एक्सेलरेशन स्लो मिलेगा स्लो तो का ये मतलब है कि आप जब एक्सलेटर को पुश करेंगे उसके बाद तुरंत आपको पंची पावर नहीं मिलने वाला है आपको धीरे धीरे बिल्डअप होकर मिलेगा जब आपकी ऑप्टिमम सीट पहुंच जाएगी उस समय आपको फुल उसका इंजन का पावर मिलेगा तो दैट्स हाउ दट सीवीटी इंजन वर्क्स टर्बो में उल्टा है टर्बो में सडन गियर शिफ्ट डाउन होंगे आपको तुरंत आरपीएम बढ़ेगा और तुरंत इंजन पावर डिलीवर करना शुरू कर देगा तो अब उससे होगा क्या कि जैसे आप हाईवेज पे चल रहे हैं तो हाईवेज पे अगर आपको सडन ओवरटेक करने हैं तो टर्बो विल बी बेटर देन योर सीवीटी लेकिन उसका डाउन साइड है कि माइलेज आपका कम होगा माइलेज आपका सीवीटी का बेटर होगा अगेन डाउन साइड टर्बो का ये होगा कि सिटी ट्रैफिक में सडन अप एंड डाउन गियर से आपका माइलेज काफी कम होने वाला है जबकि सीवीटी में क्योंकि सीवीटी उसी ऑप्टिमाइज है सीवीटी में धीरे धीरे आपकी स्पीड बिल्डअप होगी उस वजह से आपका जो थ्रॉटल है वो कम होगा और आपका माइलेज बेटर होगा सिटी ट्रैफिक कंडीशन में एक और जो डिफरेंस है सी में वो ये होगा कि अगर आप सडन पुश कर रहे हैं एक्सिलेटर तो जो इंजन का नॉइज है वो ज़्यादा होगा जो इंजन ग्रोन है मतलब जैसे आपको लगेगा कि इंजन बहुत कोशिश कर रहा है बहुत पुश कर रहा है वो आपको सी में फील होगा वो टर्बो में आपको फील नहीं होगा या होगा भी तो बहुत कम फील होगा वो अगेन सी वी टी की कैरेक्टरिस्टिक वजह से क्योंकि सडन आर बहुत हाई करने से उसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी फुट से चलाते हैं गाड़ी तो आपको बहुत नॉइज मिलने वाला है सी में टर्बो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके पास तो सीवीटी uh, में मोमेंटम धीरे धीरे बिल्ड होगा टर्बो में सडन आपको मिलेगा सीवीटी uh, में डोंट एक्सपेक्ट क्विक और सडन बूस्ट ऑफ एक्सेलरेशन आपको ऐसा नहीं है कि एकदम ही बहुत स्लो एक्सेलरेशन मिलने वाला है लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि आपने जैसे ही पुश किया वैसे ही आपको तुरंत ऑप्टिमल एक्सेलरेशन मिल गया और इसका यह भी मतलब नहीं है कि सीवीटी इंजन खराब है सीवीटी खराब नहीं है uh, बहुत स्मूथ है सिटी ड्राइव्स के लिए अपना काम बहुत अच्छे से करता है जिस चीज के लिए बना है हाईवेज uh, पे क्रूज भी बहुत अच्छा करता है एक बार उसकी स्पीड बिल्डअप हो जाने के बाद जो आपको स्पीड बिल्डअप होने का टाइम है बस उस टाइम पे आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम लगेगी पंच uh, जो है थोड़ा सा लगेगा कि लैक कर रहा है थोड़ा सा सडन पिकअप लैक कर रहा है दैट्स द ओनली प्रॉब्लम बाकी और सी बहुत ही रिफाइंड ड्राइव है एस्टर का uh, काफ़ी शानदार आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है अगर आप सिटी में ड्राइव्स कर रहे हैं या फिर आप हाईवेज़ पर क्रूज कर रहे हैं तो तो ये तो हो गई सी वर्सेस टर्बो कैसे काम करते हैं उसकी बातें अगर हम एस्टर स्पेसिफिक बातें करें तो एस्टर में जो टर्बो ऑप्शन है और जो 1.5 पॉइंट ऑप्शन है उसमें इंजन के अलावा कुछ चीज़ें और डिफरेंट है मैं आपको वो बता देता हूँ उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे तो पहली चीज तो है कि जो आपका वन पॉइंट है उसके अलॉय व्हील्स डूल टोल डुअल टोन अलॉय व्हील्स हैं मशीन कट और बहुत सिमिलर है हेक्टर का जो अलॉय व्हील है उससे तो आपको थोड़ा सा बड़ी गाड़ी वाला फील देने की कोशिश की गई है वहाँ पे जो आपका टर्बो ऑप्शन है उसमें आपके मशीन कट अलॉयज़ वहाँ भी हैं लेकिन वो लुक जो है वो डिफरेंट है डुअल टोन नहीं है सिंगल टोन है पहले तो और दूसरा टर्बाइन लुक है टर्बाइन अलॉयज़ है तो वो आपका हेक्टर वाला लुक नहीं है वहाँ पे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपके अलॉय व्हील्स में फिर अगर हम इंटीरियर्स की अगर बात करते हैं तो जो आपका सी ऑप्शन है उसमें आपको आइवरी डूबल टोन इंटीरियर मिल जाता है या सैंग्रिया रेड मिल जाता है डूबल टोन अगेन Uh, आपका जो टर्बो है उसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है टक्सीडो ब्लैक का जो कि कंप्लीटली ब्लैक है अंदर से मैट uh, फिनिश uh, टाइप का लुक है और पूरा ब्लैक है कोई डुअल टोन नहीं है सिंगल टोन ब्लैक में लुक है जो आप देख सकते हैं अभी वीडियो में भी तो ये अगेन इंटीरियर्स में डिफरेंट है अगर आपको वो डुअल टोन वाला वो नहीं चाहिए सेंगरिया uh, रेड नहीं चाहिए या फिर आइवरी डुअल टोन नहीं चाहिए तो आप इसमें भी ऑप्शन ले सकते हैं पर्सनली uh, मेरे हिसाब से आइवरी डुअल टोन जो है वो बेस्ट लगा मुझे इन तीनों ऑप्शन में वो क्योंकि वो वाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है उससे थोड़ा सा एयरी फील ज़्यादा मिलती है उससे थोड़ा सा गाड़ी अंदर से बड़ी लगती है इवन दो डायमेंशन में कोई डिफरेंस है नहीं लेकिन मतलब जो आपका ह्यूमन uh, सेंस है उसके हिसाब से थोड़ा सा मेरे को पर्सनली थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा फील हो रही थी uh, फिर एक और डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शंस में वो है लाइट्स का Uh, ये जो लाइट्स हैं इवन दो लाइट सेम है, है uh, उसमें जो सिल्वर एलिमेंट है ये केवल सी वी टी ऑप्शन में है आपका जो टर्बो ऑप्शन है उसमें आपको वो ब्लैक एलिमेंट में मिलता है तो आप देख सकते हैं वीडियो में भी uh, थोड़ा सा डिफरेंट है देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा अगर आपको नहीं पता है कि ये डिफरेंट है आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन एक्चुअली वो सिल्वर और ब्लैक का थोड़ा सा डिफरेंस है uh, फिर स्केट प्लेट्स भी डिफरेंट है uh, आपका जो 1.5 पॉइंट ऑप्शन है उसमें आपको सिल्वर स्केट प्लेट्स मिलती हैं आपका जो 1.3 पॉइंट टर्बो ऑप्शन है उसमें आपको ब्लैक स्क्रिट प्लेट्स मिलती हैं तो लुक में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सिल्वर और ब्लैक की वजह से आप अगर देख सकते हैं इसमें भी थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील होगा बाहर से देखने में गाड़ी को फिर 1.5 पॉइंट सीवीटी में आपको ओवरवीएम सारे बॉडी कलर में मिलते हैं जिस कलर की गाड़ी है उस कलर के ओवरवीएम्स मिलेंगे आपको टर्बो में ऐसा नहीं है वन पॉइंट टर्बो ऑप्शन में केवल ब्लैक ओवर मिलते हैं आपको Uh, कोई भी कलर की गाड़ी हो तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है आई डोंट नो ये क्यों किया है एम जी ने मेरे ख्याल से बॉडी कलर और भी हम ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्पेशली uh, अगर आपकी वाइट गाड़ी है उस पर ब्लैक ओ आर वी एम है तो मतलब uh, मुझे उतना अच्छा फील नहीं आया बट इट इज़ वॉट इट इज़ तो ये एक और डिफरेंस हो गया आपका सी वी टी वर्सेज टर्बो में uh, एक और डिफरेंस है uh, फ्यूल टैंक का जो सी वी टी ऑप्शन है उसमें आपको 48 एट लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल रहा है जबकि जो टर्बो ऑप्शन है उसमें आपको 45 फाइव लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल रहा है तो करीब तीन लीटर का फ्यूल आपको ज्यादा मिलेगा आप डाल सकते हो सी वी टी में अभी इसका माइलेज से कोई रिलेशन नहीं है मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका टर्बो में ज्यादा माइलेज आएगा इसलिए वहां छोटा है या इसमें काम आएगा इसलिए वो बड़ा है आ, लेकिन तीन आ, लीटर का फ्यूल आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो अगर आप फुल टैंक करने जा रहे हो तो सी में तीन लीटर एक्स्ट्रा आएगा तो अब बात करते हैं कि क्या आपको सीवीटी लेनी चाहिए या आपको टर्बो लेनी चाहिए तो मैं आपको सिनेरियो बता देता हूं उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि आप कौन से सिनेरियो में फिट हो रहे हैं तो सी आपको तब लेनी चाहिए जब आपका सिटी यूसेज ज़्यादा है हाईवे यूसेज कम है या हिल्स पर आपका यूसेज कम है तो अगर ऐसा यूज केस है आपको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए विथ डिसेंट माइलेज ठीक ठाक माइलेज आपको मिलता रहे कंफर्टेबल ड्राइव एक्सपीरियंस हो सिटी uh, में ज़्यादा ट्रैफिक हो उस समय आपको माइलेज का टेंशन ना हो तो आपके लिए सीबीटी ऑप्शन सही है अगर आपका यह सब सिनेरियो नहीं है आपके सिनेरियो है कि आपको हाईवे बहुत ड्राइव करना पड़ता है आपको सडन एक्सेलरेशन चाहिए होता है ओवरटेक करने के लिए आपको हिल्स में बहुत चलाना पड़ता है फ्रिक्वेंटली अगर ऐसा सिनेरियो है या आपको एक प्रॉपर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए जो कि अल्टीमेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है कि आपको ड्राइव करने में बहुत मजा आता है आप प्रॉपर पेट्रोल हेड है आपको पावर और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात बजट आपका बजट अगर ज्यादा है आपके बजट में कंस्टेंट नहीं है क्योंकि जो टर्बो ऑप्शन है वो 1.8 पॉइंट लैक्स ज्यादा है सी बी से ऑन रोड वो 2 लाख से ऊपर डिफरेंस पड़ जाता है तो बजट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टेंट है कि आपका बजट अगर ज्यादा है आपको दिक्कत नहीं है दो लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने में और ये सारे सिनारीओ आप पे फिट होते हैं तो टर्बो शुड बी योर चॉइस तो ये था मेरा अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का कि सीवीटी और टर्बो में क्या डिफरेंस है और क्या आपके लिए एक बेटर है दूसरे से आ, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपको कोई और सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिए मैं कोशिश करूँगा उनको आंसर करने की अगर आपको एस्टर की प्रॉब्लम्स एस्टर के फीचर्स देखने हैं तो अलग अलग वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में आ, लिंक ऐड कर दूंगा मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ फुल रिव्यू प्लस क्रेटा के साथ कंपैरिजन वीडियो भी बना चुका हूँ तो अगर आपको उन सब वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करके आप वो सारे वीडियोज भी देख सकते हैं और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा डेफिनेटली सब्सक्राइब टू तो माई चैनल शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली लाइक एंड कमेंट ऑन इट